आज हम चिकन फ्राइड राइस बना रहे हैं। ये रेसिपी बहुत इजी और बहुत टेस्टी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम चाइनीज़ राइस बना रहे हैं। चाइनीज़ राइस बनाने के लिए हमने आधा किलो चावल लिए हैं बासमती, उनको अच्छी तरह से धो के भिगो दिए हमने आधा घंटे पहले। कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। शिमला मिर्च ली है हमने, एक अदद बड़ी शिमला मिर्च है, और छोटी हो तो दो ले लें आप। एक गाजर है और तकरीबन एक कप हरी प्याज है, उनको बारीक काट लिया है। एक चिकन क्यूब है, तकरीबन 350 ग्राम चिकन है, उसके पीस को इस तरह छोटे पीसेस में कट कर लिया है उसको। 3 अदद अंडे हैं, काली मिर्च है 2 टीस्पून, अदरक है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून से थोड़ी कम है ये, लहसुन है 1 टीस्पून भर के ये, सोया सॉस ये 5 टेबल स्पून है सोया सॉस, लेमन जूस ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है। सबसे पहले हम चिकन को नमक, काली मिर्च और मैदा लगाकर मैरिनेट कर लेंगे, उसको फ्राई कर लेंगे। मैदा हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून, नमक है 1/4 टीस्पून, 1/4 चाय की चम्मची और 1/4 चाय की चम्मची काली मिर्च है। इसमें तमाम चीज़ें डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। और सबसे पहले इसको फ्राई कर लेंगे हम। अब हम तेज़ आंच पर इसको फ्राई करके निकाल लेंगे पोटियों को। तेज़ आंच पे करें, हम 600 के तेल में फ्राई कर रहे हैं। बहुत देर हमको इसको फ्राई नहीं करना है, बस इनको फौरन ही निकाल लेना है। अब हम चावल उबाल लेंगे। इसमें ये हमने मेजरिंग कप से मेजर किए थे, 3 मेजरिंग कप से चावल मेजर किए थे हमने, तकरीबन आधा किलो चावल लेंगे। इसमें 4 टेबल स्पून नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तीन से 4 टेबल स्पून ऑयल, इसको उबालने दें। चावल को उबाल कर हम एक साइड पर रख लेंगे। अच्छे रिज़ल्ट के लिए आप चावल को 4 से 5 घंटे पहले उबाल लें और उसके बाद आप चाइनीज़ राइस बनाना स्टार्ट करें। अब हम सबसे पहले अंडों को फ्राई कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा येलो कलर डालेंगे हम, बस एक ड्रॉप। उसको फेंट लें,
फ्राई करने में हम इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दें ताकि ये राइस में डालते हुए आसानी रहे हमें। बस अब हम इसको निकाल लेंगे। हमने ऑयल लिया और 1/4 कप तकरीबन, एक कप आधा कप से ज़्यादा हमने ऑयल यूज़ किया है। अब इसके अंदर हम अदरक और लहसुन को शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक फ्राई होने के बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चों को हमने काट लिया था इसका लंबाई में। थोड़ा फ्राई होने के बाद इनके हम इसमें वेजिटेबल शामिल करेंगे और चिकन क्यूब शामिल करेंगे। गाजर को हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। दो मिनट हो गए, अब हम इसमें शिमला मिर्च शामिल करेंगे। और इसके साथ ही चिकन क्यूब भी शामिल कर देंगे। इसके साथ ही चिकन की यखनी शामिल करेंगे, चिकन स्टॉक 1 कप। अब हम इसमें चिकन जो हमने फ्राई करके रखी थी वो भी शामिल कर देंगे। काली मिर्च, सोया सॉस, लेमन जूस और तकरीबन आधी चाय के चम्मची हम इसमें सॉल्ट शामिल करेंगे। नमक, क्योंकि नमक हमने चावल में भी यूज़ किया और चिकन में भी, तो इसका नमक आप एहतियात से डालें, चखे बाद में डाला जा सकता है नमक अगर कम हो तो। इसको थोड़ा सा चलाने के बाद थोड़ा पक गया। अब हम इसमें हरी प्याज शामिल कर देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम चावल हमारे तैयार हो गए थे, हम उसमें शामिल करते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
चाइनीज़ फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार है। चिकन फ्राइड राइस आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत टेस्टी फ्राइड चिकन फ्राइड राइस बिल्कुल तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत टेस्टी फ्राइड राइस बने। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।